हर साल जुलाई के महीने में भारत के कई हिस्सों में बाढ़ की खबरें आना बड़ा स्वाभाविक सा है। हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं और ना जाने कितने ही लोगों की मौत हो जाती है, हजारों एकड़ फसलें डूब जाती हैं और सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। जहां पहले 10 साल में एक बार बाढ़ आती थी, अब ये हर साल आ रही है, कभी कम तो कभी ज्यादा। आज की वीडियो में बताऊंगी कि असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ का आना क्या ये बस एक नेचुरल डिजास्टर है या फिर गवर्नमेंट की प्लानिंग एंड पॉलिसी फेलियर भी इसका एक रीजन है। वीडियो के एंड में बताऊंगी वो तीन चीजें जिनसे बाढ़ को रोका जा सकता है। बने रहे वीडियो के एंड तक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज सपोर्ट करें। असम में फिर से बाढ़ आई है, 45 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हर दिन सिचुएशन वर्स होती जा रही है। 40,000 से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में ले जाया गया है। असम का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट डुबरी सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 10 लाख लोगों को मेकशिफ्ट कैंप्स में ले जाया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का 85% एरिया पानी में डूब चुका है। 80 से ज्यादा जानवर डूबकर मर चुके हैं। मैप पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाई देगी जो तिब्बत के रास्ते आते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और फिर नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा स्टेट है असम, उसके बीचों बीच गुजरती है। ब्रह्मपुत्र रिवर में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हर साल बाढ़ पहले से ज्यादा आती है, आइए जानते हैं। बाढ़ आने के दो कारण है, नेचुरल फैक्टर्स एंड मैनमेड फैक्टर्स। पहले बात करते हैं नेचुरल फैक्टर्स की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी यानी कि ज्योग्राफिकल सिचुएशंस की। मई जून एंड जुलाई महीने में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, माउंटेन से आइस मेल्ट भी होना शुरू हो जाती है। रिवर्स में पानी बाकी महीने से ज्यादा आता है। आपने मैप में देखा कि ब्रह्मपुत्र रिवर लगभग पूरे असम के बीच से गुजरकर बांग्लादेश में ड्रेन करती है। असम के नॉर्थ में है हिमालयन माउंटेन्स और साउथ में है मेघालय का प्लेट्यू। इसके कारण ब्रह्मपुत्र रिवर को फैलने का मौका नहीं मिल पाता और पानी का लेवल और स्पीड दोनों इंक्रीज करते चले जाते हैं, जिसके कारण बाढ़ आती है। नेचुरल फैक्टर्स में दूसरा रीजन है रेनफॉल। इंडिया के एनुअल रेनफॉल मैप पे अगर आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, 200 से 400 सेंटीमीटर तक। ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट होने की वजह से जून महीने में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, वो भी बाढ़ का एक कारण है। अब बात करते हैं डिस्चार्ज एंड सेडिमेंट्स की। साल दर साल ब्रह्मपुत्र रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स एंड डिस्चार्ज लेकर आती है जो रिवर बेड पर जमा होती रहती है, जिनकी वजह से हर साल ये नदी कम गहरी होती जा रही है। रिवर बेड के साथ साथ वाटर लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गाद और कीचड़ लाने वाली रिवर जैसे साउथ अमेरिका की एमेजन, चाइना की येलो रिवर के बाद ब्रह्मपुत्र का नाम टॉप 5 में आता है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बाढ़ को रोकना इनएविटेबल हो जाता है। फोर्थ नेचुरल रीजन है अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स। भारत का हिमालयन माउंटेन और पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ साल भर लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं और इसका डेब्रिस रिवर में इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से भी रिवर्स और ज्यादा संकीर्ण होती जा रही हैं और वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। नेचुरल फैक्टर्स की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं मैनमेड फैक्टर्स की, कि इंसान कितना रिस्पॉन्सिबल है कि बाढ़ इतना भयंकर रूप लेती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं एम्बार्कमेंट्स की। एम्बार्कमेंट रिवर के दोनों तरफ उस दीवार को कहते हैं जो नदी को एक फ्लो में बहने में हेल्प करती है। लेकिन आप कहोगे कि पानी के फैलाव को रोककर ये तो बाढ़ से बचाने में हेल्प करती है, बिल्कुल सही, लेकिन इसकी वजह से पानी की गति और लेवल बढ़ता चला जाता है और जैसे ही सिटीज के बाहर कच्ची एम्बार्कमेंट शुरू होती है, रिवर का फ्लो अनकंट्रोलेबल हो जाता है और बाढ़ फैलती चली जाती है एंड बिकम्स इवेंचुअली डिजास्ट्रस। अगला मैनमेड फैक्टर है एनक्रोचमेंट। देश में पॉपुलेशन ब्लास्ट के कारण दिन भर दिन रहने की जगह कम हो रही है एंड पीपल आर फोर्स्ड टू लिव क्लोजर एंड क्लोजर टू द रिवर। तो रिवर जैसे ही फैलना शुरू करती है, लोगों की रिहायशें नदियों के नजदीक होने के कारण डूबने लगती हैं। रैमफिश, डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर द टू अदर फैक्टर्स जिनके कारण हर साल बाढ़ और ज्यादा भयानक रूप लेती जा रही है। फ्लड्स एक नेचुरल फिनोमेना जरूर है, लेकिन फ्लड से होने वाले डैमेज को रोका जा सकता है। असम और बिहार में बाढ़ की बार बार आ रही त्रासदी के तीन मेजर फैक्टर है, अटेंशन डेफिसिट, पॉलिसी डिसलेक्सिया, वीक विल पावर। सबसे पहले बात करते हैं अटेंशन डेफिसिट की। इसमें कोई दोराय नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट हैड नेवर बीन इन गवर्नमेंट प्रायोरिटी लिस्ट। दिल्ली में बारिश के कारण जमा हुआ पानी गेट्स
मोर कवरेज देन डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन नॉर्थ ईस्ट। जब भी बाढ़ आती है एक दो वीक हाई तवा मचती है, इसके बाद सब भूल जाते हैं और फिर बात अगले साल तक टल जाती है। दूसरा, पॉलिसी डिसलेक्सिया। फ्लड्स कोई एक्सीडेंट नहीं है जो होने के बाद प्लान करना पड़े कि अब क्या किया जाए। बाढ़ हर साल आ रहे हैं, सरकार क्या बस डैमेज कंट्रोल मोड में ही रहेगी या फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी इंप्लीमेंट करेगी? गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते समय कम से कम अगले 50 साल की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके और हर साल लाखों लोगों की जिंदगी तबाह ना हो। तीसरा, वीक विल पावर। बाढ़ के कारण जानने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि सॉल्यूशंस कैन नॉट बी इवॉल्व्ड जस्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू असम फ्लड्स मस्ट इन्वॉल्व द एंटायर ब्रह्मपुत्रा बेसिन रीजन दैट कवर्स चाइना, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। तो आप सब भी अपने सजेशन नीचे कमेंट करके हम सबके साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि एक इंसान से बदलाव ना आ सके, लेकिन अगर एक एक इंसान कोशिश करे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सरकार तक भी ये बात पहुंच सके। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।